बिल्कुल, वो तो पाकिस्तान है ना, वो तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान परस्त है, वैसा उनका व्यवहार है, लग रहा है कि आ रहे हिंदुस्तानी लोग अटैक करने पाकिस्तान पर। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष का भाषण चल रहा है मैदान में, सब लोग है और मैदान में गोले बरस रहे हैं, यह तो अकल्पनीय है, असोचनीय है, ऐसा हम लोगों ने सोचा नहीं था। आप उस पर बैरिकेडिंग कर दिए, लोग न जा पा रहे हैं न आ पा रहे हैं, तो आप तो घेर करके मारने का प्लान। भाजपा की जन आक्रोश रैली में जमकर लाठी डंडा, पुलिस की ओर से चला आंसू गैस के गोले दागे गए, मैदान में भी आंसू गैस के गोले छूट रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने इतिहास में, मैं भी इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, तो जालियांवाला बाग को पढ़ा था अंग्रेजों के समय, उसी प्रकार का सीन आज यहाँ हेमंत सरकार ने क्रिएट किया था, और यह कह सकते हैं कि आज तक की सबसे कमजोर यह सरकार साबित हुई। इतना ज्यादा हताशा और इतना ज्यादा डरी हुई सरकार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। और मैं तो यही कहूंगा कि जिस प्रकार इंसान जब मौत की तरफ बढ़ता है आगे, तो अंतिम सांस लेता है तो उस समय उल्टा सांस चलती है और खूब जोर जोर से सांस लेता है आदमी उल्टा, तो वही आज ये सरकार अंतिम सांस ले रही है, इसीलिए इस प्रकार का दमनात्मक इसको बिल्कुल दमन कहा जाएगा। जिस प्रकार से वो केमिकल वाला आंसू गैस ये छोड़ रहे थे और कितने लोग घायल हुए, खुद मैं भी लगा कि एक दो मिनट के लिए बेहोश होकर गिर जाऊंगा, लेकिन और वो भी निहत्थे लोगों पर, कोई उकसाया हुआ नहीं। आप देख रहे हैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष का भाषण चल रहा है मैदान में, सब लोग है और मैदान में गोले बरस रहे हैं, यह तो अकल्पनीय है, असोचनीय है, ऐसा हम लोगों ने सोचा नहीं था कि निहत्थे शांतिपूर्वक युवा महिला बहन जो है वो बिल्कुल जो सभा कर रहे हैं और उस सभा पे ऊपर गोला चलना, यह तो पराकाष्ठा है दमन का, इसलिए ये सरकार को जाना तय हो गया। तमाम जिलों में भी आप लोगों के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया कल देर रात से। देखिए, जनता सब समझ चुकी है और इस बार जितनी ठगी गई है ना इन भ्रष्टाचारियों के द्वारा, इस बार जनता सूद के साथ वसूलेगी। आप लोग महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल पूछ रहे हैं, हेमंत सोरेन हर जगह सभा में अभी जा रहे हैं मैया योजना लेकर, कह रहे हैं कि आप लोगों का भैया वो कह रहे हैं कि आपके भैया आए हैं और उपहार दे रहे हैं। ये महिलाओं की बात कर रहे हैं सम्मान की, और यहाँ मैदान में उनके ऊपर गोला बरसा रहे हैं, यही उनका नाटक, लोग तो समझ में आ गया ना। 5 साल तो उन्होंने जो वादा किया था कि 72,000 रुपये हिसाब से 360,000 देना था, वो तो दिया नहीं, अंत समय में आकर के एक दो महीना के लिए दिखावे के लिए महिला बहनों को फिर ठगने की कोशिश किया उन्होंने, और 2,000 रुपया 1,000 रुपया दे रहे कहीं कहीं, और अब बोल रहे सुरक्षा। अरे भैया, पहले अपने पार्टी के लोगों का सुरक्षा करो, उनका सम्मान करो, और इस प्रकार से निहत्थे महिलाओं पे गोली और बम जो चला रहे हो, वाटर कैनन चला रहे हो, इतना केमिकल वाला गोला फेंकवा रहे हो, यह तो तुम्हारी गले ही खुल गई, पोल खुल गई कि तुम कितने महिलाओं का सम्मान करते हो। बैरिकेटिंग भी लग रहा था कि कोई देश का बॉर्डर है। बिल्कुल, वो तो पाकिस्तान है ना, वो तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान परस्त है, वैसा उनका व्यवहार है, लग रहा है कि आ रहे हिंदुस्तानी लोग अटैक करने पाकिस्तान पर, उस प्रकार का बैरिकेटिंग क्या होता। भाई, मैंने कहा कि बिल्कुल अंग्रेजों के जमाने का, हमने अंग्रेजों का जमाना तो देखा नहीं है लेकिन पढ़ा है, बुजुर्गों से सुना है, तो बिल्कुल वो सीन याद आ गया जालियांवाला बाग का। आपने जाने का ये रास्ता है, वो आम रास्ता है, आप उस पर बैरिकेडिंग कर दिए, लोग न जा पा रहे हैं ना आ पा रहे हैं, तो आप तो घेर करके मारने का प्लान था। तो देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से गोला आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, मैदान में भी जिस वक्त सभा चल रही थी आंसू गैस के गोले हर ओर छोड़े जा रहे थे, इस पर साफ तौर पर कह रहे कि अंग्रेजों ने जैसी बर्बरता देश आजाद होने के समय भारतीयों पर की थी, कुछ उसी अंदाज में हेमंत सोरेन की पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले दाग रही थी, लाठियां चला रही थी और पूरे इलाके को ऐसे घेरा गया था जैसे कोई देश का बॉर्डर हो। द न्यूज़ पोस्ट से जुड़ी और भी अपडेट आपको देगा अपने सहयोगी रवि के साथ, समीर द न्यूज़ पोस्ट रांची।